मैं कृष्णवदा जगन्नाथ किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बाल भोग की एक रेसिपी है, खीर प्रसादम, जिसे आप एकादशी व्रत में भी ले सकते हैं या नवरात्र व्रत में। सबसे पहले उसके लिए आपको कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में एक चम्मच घी लें और एक कप मखाने। मखाने को लो मीडियम गैस पर हमें अच्छी तरीके से भूनना है। जैसे मखाने भून जाते हैं 5 मिनट के बाद, उसके बाद हमें इसको मिक्सी के जार में डालना है और हल्का ठंडा होने के बाद इसको पीसेंगे। ठंडा होता है तब तक हम इसी कढ़ाई में दूध चढ़ा देते हैं। तो यहाँ हमें 1 लीटर दूध लेना है। ये दूध फुल फैट है, आप कोई भी ले सकते हैं, गाय का या आपको जो भी मिले, भैंस का, दोनों में से कोई भी। अब आपको क्या करना है, उसको अच्छी तरीके से दूध को गर्म होने देना है और यहाँ पर जो एक बाउल में हमने अपने मखाने हैं उसको हल्का दरदरा मिक्सी में घुमा दिया है और कुछ मखाने हमने अलग रखे हैं साबुत। इसी में अब हमें ऐड करना है केसर का दूध। तो जो रेशे हैं 10 से 12 वो मैंने पहले ही भिगाने के लिए रख दिए थे और उसको इसमें ऐड करना है। जैसे ही जो हमारा दूध है वो आधा हो जाए, कड़कड़ के आधा हो जाएगा, यानी चलाते चलाते उसको आधा हो जाए, उसके बाद ही आपको इसमें अपना मखाना ऐड करना है। मखाना ऐड करने के बाद में आपको इसको फिर वापस लगातार चलाते रहना है, जिससे आपका जो मखाना आपने ऐड किया है वो भी फूल जाएगा और एकदम से ये जो खीर है वो टेस्ट देती है रबड़ी वाला और सभी को बहुत पसंद आती है। आप एक बार बनाएंगे घर में सभी बोलेंगे कि आप वापस इसको कब बना रहे हैं। बाकी के ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, जिसमें से हमने लिया है कद्दूकस किया हुआ नारियल 2 चम्मच। थोड़ा सा नारियल को मैंने 1 चम्मच चॉप भी किया है, बारीक बारीक काट लिया है, वो ऐड किया है। अब इसमें हम डालेंगे अपने बादाम, 8 से 10 बादाम को भी हमने चॉप किया है और उसको अब हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में ही इसको बस लगातार चलाते रहें। बादाम ऐड करने के बाद भी इसको आप चलाते रहें, जिससे साइड में आपके जो मखाने का वो लेयर है वो चिपके नहीं और नीचे खीर लगे नहीं। चिरौंजी को हमेशा खीर में धो के ऐड करें। कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, स्किप भी कर सकते हैं जो आपको पसंद नहीं हो। काजू 8 से 10 चॉप करके, काजू ऐड करने के बाद में वापस इसको हमें चलाना है। बस इसको अभी हमें तब तक चलाना है जब तक जो मखाने का हमने पाउडर ऐड किया है वो अच्छी तरीके से फूल ना जाए और जो हमारी खीर है वो गाढ़ी ना हो जाए। उसके बाद में अब जाएगा इसमें चॉप किया हुआ पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से करें चलेगा। 4 से 5 इलायची को अच्छी तरीके से कूट लें और उसको ऐड करें। इलायची का फ्लेवर खीर में बहुत अच्छा आता है और ड्राई फ्रूट्स की खीर हो या कोई भी खीर हो उसमें इलायची तो जाती ही है। साथ में गुलाब जल, गुलाब जल आप अपनी खीर में ज़रूर ऐड करें, उससे जो खीर है उसमें खुशबू भी होती है और उसका एक अलग ही फ्लेवर निकल के आता है। इलायची डालने के बाद में अब हमें इसमें गुलाब जल ऐड करना है और इसको अब हमें लगभग 2 मिनट ही चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है क्योंकि ये कड़ कड़ के आधा हो गया है और ये और फूल जाएगा क्योंकि हमने जो मखाना ऐड किया है वो फूलता है और गाढ़ा होता है। तो लगभग इसको 2 मिनट चलाने के बाद में हमें ऐड करनी है अपनी चीनी। चीनी ऐड करने के बाद इसको वापस चलाएंगे क्योंकि चीनी भी थोड़ा सा अपना पानी छोड़ती है। लगभग 3 मिनट और चलाने के बाद में फिर हमें क्या करना है, गैस को बंद करना है और भगवान को ऑफर करना है। तो यहाँ पर हमारी जो खीर है वो बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गई है और मखाना खीर इजी है, कोई भी बिगनर्स इसको बना सकता है। साथ में खाने में ये डिलीशियस होती है, बस इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये जो खीर है 1 kg दूध में 3 से 4 लोगों के लिए इजी वे में तैयार हो जाती है, भर पेट खा सकते हैं। लेकिन 5 लोगों को ये आप आराम से ऑफर कर सकते हैं, भर पेट वाले 3 ही लोग रहेंगे क्योंकि ये खीर ही ऐसी है और इसको जब ठंडा दूसरे दिन फ्रिज में रख के खाते हैं ना खीर को, तो वो एक अलग ही आता है। और खीर प्रसादम तो सबका फेवरेट होता ही है।
आप इसको ज़रूर बनाएं। छोटे बच्चे हैं तो आप इसमें से ड्राई फ्रूट्स को पूरा मिक्सी में घुमा के तब इसमें ऐड करें, यदि वो खा नहीं पाते हैं, बुज़ुर्गों को कोई प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप ड्राई फ्रूट्स इसमें ज़रूर ऐड करें। और यहाँ पर जो हमारी खीर है वो बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें तुलसी दल रखेंगे, अपने जगन्नाथ जी को ऑफर करेंगे, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, इसलिए शुद्ध और सात्विक प्रसाद लें, खुश रहें, चैंटिंग करना ना भूलें। हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।